केवल दो चार मिनट के लिए जो स्टॉल पर खड़े हैं ठीक है, लेकिन जो यहाँ है वो दो चार मिनट के लिए आपसी बात छोड़कर ध्यान इधर करें। आप सब भी या सामने या यहीं बैठे, एक अलग सी दुनिया में आकर के अच्छा लग रहा है। वर्तमान समय वैज्ञानिक विकास का समय है, ये निश्चित है। नित्य प्रति हम नए नए आविष्कार होते देख रहे हैं, नए नए संसाधन जुड़ते हुए देख रहे हैं। उसी के मध्य जो ये फोटोग्राफी का भी दौर है, ये भी वास्तव में कई रूपों में कई अलग अलग टेक्निक्स के साथ आगे बढ़ा है। वैसे भी हम जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल सिस्टम जो है वो पूरी व्यवस्थाओं पर अपना अलग प्रभाव बनाते बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी लगता है कि ये सब सिस्टम जो है डिजिटल बहुत आपस में बिल्कुल ऐसा बना रहे हैं कि जैसे बहुत दूरी में बहुत नजदीकी सी लगने लगती है। कई ये 3G 4G और आगे आगे अब कई 5G वो सब निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम एक बात और कहेंगे जो गीता की है। वैसे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कार्यक्रम था जब भगवद गीता को वहां विराजित करते हुए, और वहां एक बात कही गई थी कि ये डिजिटल जो है शब्द से एल इन तीन अल्फाबेट्स को अलग कर दें और बीच में क्या रहता है GITA, बीच में क्या हुआ गीता, और ये तीन शब्द आप अलग रखेंगे तो वो शब्द बन जाएगा दिल BIL दिल। तो हमने कहा दिल में गीता अगर होगी तो निश्चित है कि फोटो भी आपकी बहुत अच्छी आएगी। मन में गीता की सोच ये है कि आपके मन की मुस्कुराहट या आपके चेहरे की मुस्कुराहट को बाहर लाएगी। मन में अगर रुखापन होगा, दिल अगर कमजोर होगा, दिल में अगर टेंशन भरी होगी, अगर रुखापन तीखापन अंदर भरा हुआ होगा, ईर्ष्या द्वेष भरी होगी, तो आज के साहित्यकार भी मानते हैं, विज्ञान भी मानता है कि फेस इज एन इंडेक्स टू माइंड, है या नहीं सच्ची बात। चेहरा दिल का आईना है ये कहा जाता है कि चेहरा दिल का आईना है। तो हमने कहा पहले दिल में गीता को ला करके फिर जरा फोटो खींचकर और खिंचवा कर देखो कि फोटो कैसी आती है। जब दिल में गीता होगी, गीता की सोच होगी। और कल हम पेवा में थे, आयोजन चल रहा था, और उस आयोजन में हम एक बात कह रहे थे कि सोच आपकी जितनी खुली होगी, कि गीता के अनुसार मनुष्य केवल ये फिजिकल बॉडी का नाम ही मनुष्य नहीं है, मनुष्य की पहचान उसके अंदर के भावों से प्रारंभ होती है। यो जनसत्ता सहिरसा, अंदर के भाव आपके खुले होंगे तो चेहरे पर भी एक खुलापन आएगा, अंदर के भाव आपके खुले होंगे तो आपके व्यवहार में भी खुलापन आएगा, अंदर के भाव आपके खुले होंगे आपके स्वभाव में भी खुलापन आएगा। अंदर का भाव खुला होगा तो सद्भाव भी उतना ही खुलता चला जाएगा। तो इसलिए हमारे फोटोग्राफर बंधु भगिनी जो यहाँ हैं, वो अपने अपने व्यवसाय में खूब आगे बढ़े। उसके लिए भी गीता का एक सूत्र हम दे रहे हैं कि योगा कर्म से कौशलम। कुछ लोग कहते हैं गीता ने विकास की गति को रोकने का प्रयास किया है, ये कहकर कि कर्म करो आगे फल की इच्छा ना करो। तो गीता ने ये नहीं कहा, गीता ने ये कहा कर्म करो, अर्थात
अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाओ, फ्यूचर की टेंशन प्रेजेंट में ना लो, क्योंकि फ्यूचर की टेंशन आपके प्रेजेंट को बिगाड़ेगी, आपके काम को ऊर्जा से नहीं आगे बढ़ने देगी। फ्यूचर की टेंशन के बिना अपनी एनर्जी अपनी प्रेजेंट ड्यूटी में लगाओ, आगे बढ़ने के साधन अपने आप खुलेंगे। तो समय के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है, अच्छा है। नई नई टेक्निक्स को लेकर आगे बढ़ना वो भी निश्चित रूप से अच्छा है, आवश्यक है, लेकिन साथ ही साथ अपनी मानसिक दृढ़ता को सुरक्षित रखना, मानसिक भावों को खुला बना के रखना, सद्भाव को अच्छा बना के रखना और भावों को जन जन के हितार्थ आगे प्रयोग करना, वो यदि होगा तो सोने में सुहागा, स्वर्ण सौरभ संयोग। तो आज की ये बात याद रखते हुए कि डिजिटल होना अच्छा है, लेकिन DIL दिल में गीता का चिंतन, गीता का भाव साथ होगा तो निश्चित रूप से ताले की गति भी बढ़ेगी, चेहरा भी मुस्कुराता हुआ होगा और आप दूसरों को भी अच्छी प्रेरणा दे पाएंगे। आज यहाँ निश्चित एक अलग से अनुभव के साथ आना हुआ, जब कुछ बंधु हमारे पास कुरुक्षेत्र आए कि 12 या 13 में लग नहीं रहा था, अत्यधिक व्यस्तताएं थी, लेकिन तो भी आज आना हो पाया, अच्छा लगा आपके भाव को देखकर। पर जैसा अभी प्रवेश कंबोज कहेंगे, प्रवेश कंबोज जी ने बताया कि आज से हम हरियाणा फोटोग्राफर कल्चर एसोसिएशन या HPW के हरियाणा फोटोग्राफर कल्चर एसोसिएशन का आज से गठन कर रहे हैं। ये प्रवेश आपने बीच में वेलफेयर शब्द लगाया है, तो हरियाणा फोटोग्राफर एसोसिएशन के मध्य ये वेलफेयर शब्द जो है, फेयर हो लेकिन फेयर है दूसरों की, समाज की, जनजन की वेलनेस के लिए जब फेयर मिलते हैं तो निश्चित एक वेलफेयर के रूप में एक व्यापक सोच का पर्याय बन जाते हैं। और मानवता वहां केवल एक चेहरा नहीं मुस्कुराता, जब वेलफेयर का लक्ष्य हो जाता है तो वहां एक चेहरा नहीं मुस्कुराता, वहां पूरी मानवता मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। आज की बहुत बड़ी जरूरत है कि कहीं ना कहीं एक बार के भौतिकवादी विकास में ये मानवता सिकुड़ रही दिखाई देने लगी है। आप सबके प्रयास से HPW के हरियाणा फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन इस ढंग से अपनी पहचान बनाए कि एक मुस्कुराती मानवता का दर्शन सामने आए। यद्यपि बताया गया, सरदार जी बता रहे थे, चल रहे थे साथ किया, हिमाचल पंजाब और हरियाणा के अनेक क्षेत्रों के फोटोग्राफर अपनी अपनी नई टेक्निक्स के साथ अपनी एग्जीबिट करने के लिए उस टेक्निक को यहाँ उपस्थित है। उन सबके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। आज का आयोजन के आयोजकों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। सभी शुभकामना जो यहाँ उपस्थित हुए सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। करनाल के मेयर रेणु बाला जी और अभी कुलदीप राठी जी यहाँ उपस्थित हुए और अलग अलग क्षेत्रों में शुभकामना। सबके लिए शुभकामनाओं के साथ सबको जय श्री कृष्ण।